एक लड़का जिसके पास पहनने को अच्छी चप्पल भी नहीं होती, उसे एक दिन स्कूल से आते वक्त एक सैंडल पड़ी हुई मिलती है। तब लड़का दूसरी सैंडल ढूंढता है लेकिन वह थोड़ी फटी थी। और लड़का सैंडल सिलाने जाता है लेकिन उसके पास 10 रुपए भी नहीं होते। अब यह घर आता है तब सैंडल अपनी माँ से छुपाता है। और जब उसकी माँ काम करके घर आती है तब अपनी माँ से कुछ पैसे मांगता है। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि बड़ी मुश्किल से घर चलाती है और तुझे पैसे खर्च करने के लिए चाहिए। तब लड़का उदास होकर बाहर जाता है और अपनी खुद की चप्पल ठीक करने लगता है। अब रात होती है तब लड़का रात भर सो भी नहीं पाता क्योंकि उसके मन में वही बात चल रही होती है कि उसकी माँ सैंडल सिलाने के लिए पैसे नहीं देगी तो सैंडल वेस्ट हो जाएगी। लेकिन लड़का जब सुबह उठता है तब तबीयत खराब होने का ढोंग करता है। तब उसकी माँ उसे 10 रुपए देकर कहती है कि इन पैसों से खांसी की दवा खरीद लेना और खा लेना। लेकिन लड़का वही 10 रुपए से सैंडल सिलाने जाता है और घर आकर सैंडल पहन के देखता है। लेकिन उसे याद आता है कि कल सुबह उसके दोस्त का बर्थडे है। तब वह उसे गिफ्ट देने की सोचता है लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होने की वजह से वही सैंडल अपने दोस्त को गिफ्ट देता है और उसका दोस्त बहुत खुश हो जाता है।